आइए हर्षा उपाध्याय को भी जोड़ते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। हर्षा कोटक एमसी के सीआईओ हैं। हर्षा, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। एक शानदार रिकवरी पैनिक लोज से आती हुई और अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूँगा, स्टार्ट अपना कॉन्वर्सेशन मिड कैप स्मॉल कैप एंड ऑफ द मार्केट में कैसे वैल्यूएशन आप देख रहे हैं। वहाँ पर एक खास आउट परफॉर्मेंस दिख रही है और इवन अगर हम अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें, वहाँ पे यूजुअली बिजनेस मॉडल स्पेसिफिक कॉल्स लिए जाते हैं, सेक्टर कॉल नहीं। आपको क्या लगता है, वैल्यूएशन अब अट्रैक्टिव हो गए थे वहाँ पे और देर इज़ मेरिट कि भाई जहाँ पे रोबस्ट बिजनेस मॉडल हैं, जहाँ पे मार्जिन प्रेशर वगैरह के इश्यूज पास ऑन हो सकते हैं, वहाँ ज़रूर देखना चाहिए? गुड मॉर्निंग अजय। अगर आप देखते हैं मार्केट को, मार्केट काफ़ी रेजिलिएंट रहा है लास्ट 5 से 6 वीक में। ये एक्चुअली कमोडिटी प्राइस प्रेशर्स जो दिख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है मार्केट पे। मार्केट हैज बीन गोइंग अप, लेकिन हमें लगता है कि जो अर्निंग्स आएंगे मार्च क्वार्टर के या जून क्वार्टर के, उसमें काफ़ी सारे कंपनीज पे मार्जिन प्रेशर देखने को मिलेगा। जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हाई टीन्स पे था, वो शायद थोड़ा नीचे भी जा सकता है। और अगर इसी बात पे हम चर्चा करते हैं, मिड और स्मॉल कैप जो कंपनीज हैं, वहाँ पे मार्जिन प्रेशर लार्ज कैप कंपनी से ज़्यादा होने का आशंका है, क्योंकि वो इतने एस्टेब्लिश बिजनेसेस नहीं है और शायद उनको ज़्यादा कंपटीशन से लड़ना पड़े। और ये भी देखना चाहिए कि अगर वो पास ऑन कर देते हैं ये कमोडिटी कॉस्ट इंक्रीज को, क्या डिमांड वही लेवल पे जो पुराने लेवल्स थे वहीं पे रहेगा या बढ़ेगा? हमें लगता है कि वो शायद नहीं होगा और डिमांड कम हो सकता है। तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा लमसम इन्वेस्टमेंट्स इस समय पे नहीं करना चाहिए, थोड़ा कॉशियस रहना बेटर। ओके हर्षा, रियल एस्टेट स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू है, चाहे वो इंडिया बुल रियल्टी हो, चाहे ब्रिगेड हो, शोभा, प्रेस्टीज? मैं आपसे स्टॉक स्पेसिफिक कॉल नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे एक वैल्यूएशन कॉल ले रहा हूँ मोस्ट नेम्स पे और वर्सेस जो बिजनेस मॉडल ग्रो कर रहा है। आज लोधा ने अपने वॉल्यूम नंबर्स शेयर किए, सॉलिड वॉल्यूम्स, और इसलिए उम्मीद ये बन रही है कि शायद बाकी जो अच्छे कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, उनके भी वॉल्यूम्स का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा, बहुत डिफरेंट नहीं होगा। लेकिन हमने ऐसा भी देखा कि सीमेंट प्राइस, मेटल प्राइसेस बढ़ने की वजह से इनके मार्जिन में इतनी प्रेशर आई है कि लॉट ऑफ देम्स ने तो अनाउंस भी किया कि हमें प्राइस हाइक लेना पड़ेगा इवन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स पे। तो आपको लगता है ये वॉल्यूम ग्रोथ बराबर रहेगी और इनके वैल्यूएशन कैसे लग रहे हैं इस पॉकेट के? देखिए, लास्ट 2 साल में रियल एस्टेट सेक्टर बिल्कुल ऊपर आया है। तो ये जो लास्ट डिकेड्स का जो पेनफुल सिचुएशन था, जहाँ पे काफी सारे इन्वेंट्री पड़ा हुआ था, सेल्स नहीं हो रहे थे, डिमांड भी नहीं था, तो वो सब सिचुएशन से बाहर उभर के आया है और काफी अच्छे इन्वेंट्री क्लीनअप भी हुआ है और डिमांड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए, ये मार्जिन प्रेशर तो हर एक सेक्टर में आएगा। अगर आप देखते हैं पूरे निफ्टी बास्केट या मार्केट को देखते हैं, कुछ ही सेक्टर्स होंगे जहां पे मार्जिन प्रेशर नहीं दिखने को मिलेगा, जैसे कि मेटल्स और कुछ और कमोडिटीज़ में वहां पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। आईटी और बीएफएसआई में शायद न्यूट्रल या कुछ ही किस्म का इम्पैक्ट होगा, लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स में मार्जिन प्रेशर को देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट में भी वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन हमें लगता है कि डिमांड इतना स्ट्रांग है कि ये जो मार्जिन प्रेशर का जो इश्यू होगा एक दो क्वार्टर का, अगर वो मैनेज कर पाते हैं रियल एस्टेट कंपनीज, हमें लगता है कि नेक्स्ट 3 से 5 साल के लिए एक अच्छा बुल रन आ सकता है रियल एस्टेट और होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट में। मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरा ये जो सेगमेंट है ये ठीक ठाक सिचुएशन में। हर्ष, इस बीच एक चीज़ आपसे और समझनी है, ओवरऑल अभी जो कमोडिटीज़ के अंदर डिस्टर्बेंस हुई है, ये एक राउंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस आप और एक्सपेक्ट करते हैं या फिर अभी सेटल डाउन हो गया है सारा कुछ इंक्लूडिंग क्रूड? ये एक्सपेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है रशिया यूक्रेन का, और हमें पता नहीं है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कब तक चलेगा और कितना डीपर जाएगा। और अगर मान भी लें कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, क्या सप्लाई सिचुएशन इमिडिएटली नॉर्मलाइज होगा, क्या सैंक्शंस इमिडिएटली हटाए दिए जाएंगे? ये सब जो प्रश्न है, इनके बारे में तो कोई जवाब मिलना इतना आसान नहीं है। तो हमें लगता है कि
एक या दो तिमाही एटलीस्ट कॉमोडिटी कॉस्ट प्रेशर्स कंटिन्यू होंगे। अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलेगा, सैंक्शंस ज्यादा होंगे या ग्लोबल पावर्स भी इस कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा लेने के लिए आ जाएंगे, तो शायद ये और भी लंबा चल सकता है। ऑल राइट, ठीक है हर्ष। ऐसे में अब आपका क्या व्यू बन रहा है अगर हम कमोडिटीज़ पे भी बात करें? कमोडिटीज़ प्राइस अब देख रहे हैं कि जिस तरह से ब्रेंट की जो चाल है, क्रूड की चाल है, उसी तरह से स्टॉक्स भी रिएक्ट करते हैं, उसी तरह से स्पेसेस भी रिएक्ट करते हैं। पर अभी अभी आपको लगता है कि एनर्जी प्राइस की एडजस्टमेंट पूरी तरह नहीं हुई है, और जाहिर तौर पर हो भी कैसे सकती है जब तक अभी भी सर्ज है या सिचुएशन सेटल नहीं हुई है? ये एडजस्टमेंट आपको कब तक लगता है हो जाएगी? देखिए ये तो अगेन ये मीडियम या लॉन्ग टर्म में ही एडजस्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से जो रशिया का जो प्रोडक्शन था और जो कॉन्फ्लिक्ट के वजह से सप्लाई में जो डिस्ट्रप्शन आया है, ये सब तो इमिडिएटली तो नहीं रिसॉल्व होंगे। तो हमें लगता है कि ये जैसे बाकी कमोडिटीज पे मैंने बात किया कि एक दो तिमाही तक एलिवेटेड प्राइसेस रह सकते हैं, तो हमें लगता है कि क्रूड ऑयल पे भी वही व्यू रहेगा। बहुत ही मुश्किल है कि ये सोचना कि क्रूड ऑयल इमीडिएटली नीचे आना चालू हो जाएगा। राइट कृष्णा, आपसे एक बात समझना चाहेंगे कि इन्फ्लेशनी इन्वायरमेंट में इन्वेस्टिंग रिटर्न्स कैसे कंप्रेस हो जाते हैं, इसके बारे में कुछ पर्सपेक्टिव शेयर करिए। क्योंकि ये बात निकल के आ रही है कि अगर वाकई इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी नहीं है और थोड़ा बरकरार रहता है, जारी रहता है, तो क्या डिप्रेस होंगी अर्निंग्स प्रोलॉन्ग बेसिस पे? क्या इसका मतलब है रिटर्न जो है एक्विटी के वो थोड़े दबाव में रहेंगे और इन्वेस्टर्स को अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करने चाहिए? देखिए अजय, जैसे भी आप देखें, अगर इन्फ्लेशन को एक मोमेंट के लिए अगर हटा भी देते हैं, तो जो रिटर्न्स 2020 और 2021 में जो आया है वो तो एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सुपर साइज अबनॉर्मल रिटर्न्स थे। वो शायद 10 साल में, 20 साल में एक बार ऐसे मार्केट में रिटर्न्स एक साल में मिल सकता है। तो इस साल अगर इन्फ्लेशन को मैं 1 मिनट के लिए साइड में रखता हूँ वो टॉपिक को, तो भी हमारा रिटर्न जो होगा फाइनेंशियल ईयर 23 में, वो शायद 22 और 21 के तुलना में काफ़ी मॉडरेट रहेगा और वॉलिटिलिटी भी ज़्यादा रहेगा। और अब आते हैं हम इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन से दो इम्पैक्ट हो सकता है, एक तो कॉरपोरेट मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे। जैसे आपने बताया, अगर कॉस्ट प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और वो पास ऑन नहीं कर सकते कस्टमर्स को, तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होगा, अर्निंग्स ग्रोथ नीचे आएंगे। अगर मान भी लीजिए कि वो पास ऑन करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन आएगा कि क्या वो डिमांड उसी लेवल पे मेंटेन कर पाते हैं, कि यार डिमांड भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ता है कोई चीज़ का तो वहाँ पे डिमांड भी कम होने का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जहाँ पे अर्निंग्स अपसाइड आना बहुत ही मुश्किल है। जो कमोडिटी रिलेटेड सेक्टर्स हैं वहाँ पे आ सकता है, लेकिन जो कमोडिटी यूज करते हैं वहाँ पे पूरे सेक्टर्स में एक तरह का दबाव रहेगा मार्जिन्स पे, तो विच इज नेगेटिव फॉर अर्निंग्स ग्रोथ। और दूसरा चीज हो गया, जैसे इन्फ्लेशन स्टिकी हो जाता है, हायर लेवल पे चले जाते हैं, तो ब्याज दर भी इकोनॉमी में बढ़ते जाते हैं। जब भी ब्याज दर इकोनॉमी में बढ़ते हैं वो इक्विटी वैल्यूएशन के लिए नेगेटिव है, क्योंकि इनवर्स कोरिलेशन है इक्विटी वैल्यूएशन और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो आपका जो ओवरऑल सिचुएशन है वहाँ पे दो टाइप के एडवर्स इम्पैक्ट होंगे, एक तो आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर आएगा, दूसरा जो है इक्विटी वैल्यूएशंस भी कम हो सकते हैं या कंप्रेस हो सकते हैं। तो दोनों चीज देखते हुए ये तो जरूर बोल सकते हैं कि जो रिटर्न्स हम अगले 12 महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो शायद लास्ट के 12 महीने से कम रहेंगे और ज्यादा वोलेटिलिटी भी रहेगा। ऑल राइट हर्ष, एक और व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि जब 2021 में हमने देखा कि 20 हो, 21 हो, मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद एक व्यू ये था कि इस साल शायद आसान नहीं होगा इन दो स्पेसेस के लिए। लेकिन जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस मिड कैप स्पेस आपको फिर से दिखा रहा है, स्मॉल कैप स्पेस के कई सारे स्टॉक सर्च कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है ये साल मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस के लिए? आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में इतने एस्टेब्लिश बिजनेस मॉडल नहीं होता है काफ़ी सारे कंपनीज में, और जहाँ पे जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आते हैं रॉ मटेरियल प्राइसेस या डिमांड में, वो मैनेज करना उनके लिए लार्ज कंपनी से ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। तो वो व्यू है हमारा मिड और स्मॉल कैप पे, और यहाँ पे वैल्यूएशंस भी इतने सस्ते नहीं है। 2020 में तो बहुत वैल्यूएशन कम्फर्ट था, अगर अभी हम देखते हैं तो एटलीस्ट इंडेक्स लेवल पे जब हम देखते हैं मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स काफी लार्ज कैप के बराबर ही चल रहा है वैल्यूएशन। तो
देयर इज नो रिलेटिव वैल्यूएशन कंफर्ट। तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि एक्चुअली जो वोलेटिलिटी रहेगा वो मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा ही होगा गोइंग फॉरवर्ड। तो उस हिसाब से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको बॉटम अप एवेल्युएशन करना चाहिए और स्टैगर्ड अप्रोच रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। एक बार में पूरा लमसम मिड और स्मॉल कैप में नहीं डालना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे वैल्यूएशन कंफर्ट मिलेगा उनका एलोकेशन बढ़ना चाहिए, वो हम सजेस्ट करते हैं। अच्छा, अगर कमोडिटीज की बात करते हैं, कमोडिटी में एक व्यू ये आ रहा है कि चाइना ने अपनी जो फोर्थ क्वार्टर ग्रोथ एस्टिमेट सेट की है वो लोएस्ट है 91 से। बाकी ग्लोब में भी ग्रोथ के बहुत बड़े कंसर्न आ रहे हैं। इंडिया ऑफकोर्स 7-7.5% ग्रोथ की बात कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर। ऐसे हाल में जब स्लो ग्रोथ होगी तो कमोडिटी प्राइसेस कहाँ जाएंगी आपके हिसाब से? और कमोडिटी प्राइसेस अगर नीचे आएंगी तो इंडियन कमोडिटी कंपनीज की रियलाइजेशन की ट्रेंड भी नीचे होगी। दूसरी तरफ ये बात आ रहा है कि बहुत सारी कंपनीज, इंडियन कमोडिटी कंपनीज स्पेशली मेटल, वो उनके कैश प्रॉफिट इतने ज़्यादा होंगे कि वो बहुत शार्प डेट रिडक्शन होंगे। क्या आपको ये बात ऑलरेडी इन द प्राइस नज़र आती है या स्टॉक प्राइसेस कमोडिटी प्राइसेस के डिफरेंट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं? इवन इफ रियलाइजेशन नीचे आए, प्राइसेस नीचे आए, यहाँ स्टॉक्स ना गिरें, ऐसा हो सकता है? अजय, बिल्कुल अच्छा सवाल है। देखिए, ये शॉर्ट टर्म में तो कमोडिटी प्राइसेस हाई है इसलिए स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने बोला, अगर इतने ही महंगे कमोडिटी प्राइसेस रहेंगे तो क्या डिमांड उतना ही रहेगा? क्या एडिशनल प्रोडक्शन आएगा, उसके हिसाब से फिर प्राइसेस नीचे आएंगे? ये सब क्वेश्चंस इन्वेस्टर्स के माइंड में आते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये थोड़ा स्ट्रक्चरल है जो इस बार कमोडिटी सेक्टर में हो रहा है। अगर आप रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को साइड में रख के भी बात करते हैं, उससे पहले भी कमोडिटी प्राइसेस बहुत ऊपर थे, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ जो लास्ट काफी सालों से हुआ है उसके हिसाब से कमोडिटीज में कैपेसिटी एडिशन नहीं हुआ है। इनफैक्ट कमोडिटी कैपेसिटी जो है वो प्रोडक्शन से बाहर गया है, जैसे कि ESG कंसर्न्स लेते हुए या कोई रेगुलेटरी कंसर्न लेते हुए। तो काफी सारा जो प्रोडक्शन था कमोडिटीज में वो शायद वापस नहीं आएगा, या वापस भी आएगा तो काफी हाई कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से वापस आएगा। जैसे कि अभी इमीडिएटली अगर आप देखते हैं, अगर फ्यूअल प्राइसेस देखते हैं, क्रूड ऑयल और रिलेटेड प्राइसेस इतने बड़े हैं, तो हर एक कमोडिटी कंपनी का फ्यूअल कॉस्ट बढ़ चुका है। अगर कोई कैपेसिटी वापस भी आता है, अगर वो पहले एक्स लेवल पे अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन था, तो अभी शायद वही एक्स मार्जिन, एक्स लेवल का मार्जिन लेने के लिए उनको काफी ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एक तरह से उनका जो मार्जिन प्रोफाइल था वो रीसेट हो चुका है। तो उस हिसाब से काफी सारी जो ओल्ड कैपेसिटीज हैं वो शायद ही कॉम्पीट कर पाएंगे ये नए डायनेमिक्स में, जहाँ पे फ्यूअल कॉस्ट इतने हाई है और जहाँ पे ESG कंसर्न्स के रिलेटेड में इतने सारे नए इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं उनको मॉडर्नाइज करने के लिए। तो ये सब देखते हुए हमें नहीं लगता है कि ये जो कमोडिटीज में जो पॉजिटिवनेस है ये इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। हो सकता है प्राइस नीचे आए, ऊपर जाए, वो वोलेटिलिटी रहे, वो सब पॉसिबल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मीडियम या लॉन्ग टर्म की सोच करते हैं तो लगता है कि कमोडिटी जो शॉर्ट सप्लाई में है वो शायद शॉर्ट सप्लाई में ही कंटिन्यू होगा। ग्लोबल ग्रोथ शायद कम होगा, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा कि एकदम कमोडिटीज पे उसका बहुत असर पड़े। ये अभी का व्यू है हमारा। ऑलराइट हर्षा, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए आज, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षा उपाध्याय कोटक EMC के CIO अपना व्यू शेयर कर रहे थे मार्केट्स, मिड कैप्स और डिफरेंट सेक्टर्स पे। बात